रायसेन बेगमगंज से हमारे संवाददाता शरद शर्मा की स्पेशल रिपोर्ट। अंकुर अभियान में बड़े स्तर पर हुआ पौधारोपण। बेगमगंज में वन विभाग के सहयोग से थाना प्रांगण में अंकुर अभियान के तहत बड़े पैमाने पर हुआ पौधारोपण। मुख्य अतिथि SDM अभिषेक चौरसिया की अगुवाई में थाना प्रभारी राजपाल सिंह जादौन, वन प्रक्षेत्र अधिकारी अरविंद अहरबार, जनपद अध्यक्ष प्रतिनिधि पुष्पेंद्र सिंह ठाकुर, भाजपा ग्रामीण मंडल अध्यक्ष जगदीश लोधी सहित वन विभाग, पुलिस विभाग एवं सेंट थॉमस सीनियर सेकेंडरी विद्यार्थियों के द्वारा विभिन्न प्रजाति के फलदार एवं छायादार 450 पौधों का रोपण किया गया। प्राकृतिक ऑक्सीजन प्लांट का महत्व बताते हुए SDM अभिषेक चौरसिया ने वृक्षारोपण कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि प्राकृतिक शुद्ध हवा एवं जीवधारियों के लिए ऑक्सीजन की पूर्ति हमारे वृक्षों के द्वारा ही होती है। यदि धरती पर मानव जाति सहित जीवधारियों को बचाना है तो हमें व्यापक पैमाने पर वृक्ष को लगाना होगा, ताकि यह कुदरती ऑक्सीजन प्लांट हमारे फेफड़ों को शुद्ध और ताजी हवा देकर निरोगी काया के साथ हमें खुशहाल जीवन जीने में सहायक बन सके। इसके अतिरिक्त थाना प्रभारी राजपाल सिंह जादौन, वन परिक्षेत्र अधिकारी अरविंद अहरवार, जनपद अध्यक्ष प्रतिनिधि पुष्पेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि सांसें हो रही हैं कम, आओ वृक्ष लगाएं हम। जनपद अध्यक्ष प्रतिनिधि पुष्पेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा है कि पेड़ न केवल कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं बल्कि हमें वातावरण में कई अन्य हानिकारक गैसों को भी अवशोषित करते हैं, जिससे वातावरण को ताजगी मिलती है। पुष्पेन ठाकुर ने बताया कि इन दिनों वाहन और फैक्ट्रियों से बहुत ज्यादा प्रदूषण निकलता है, अधिक से अधिक पेड़ लगाने से प्रदूषित हवा से छुटकारा मिलने से मदद मिलेगी। पेड़ पर्यावरण को शांत और संतुलित रखने में हमारी मदद करते हैं। ठाकुर ने बताया कि पेड़ पौधे हमें शुद्ध ऑक्सीजन के साथ साथ ठंडी छाया और फल देते हैं। बदला बदला सा है, प्रदूषण कम होने की वजह से वातावरण स्वच्छ बना हुआ है, तो कहीं पर गर्मी का असर कम है तो कहीं वर्षा की अपेक्षा ज्यादा है। पर्यावरण प्रेमियों का कहना है कि पीपल, बरगद, रबर प्लांट, बांस, पाम पौधे प्रदूषण कम करते हैं, साथ ही ये वातावरण में से जहरीली गैसों को साफ करते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रदूषण वाहनों से निकलने वाले धुआं और क्लोरो फ्लोरोकार्बन गैस से होता है। बेगमगंज रेंजर का कहना है कि हम 5000 पौधे लगाएंगे, क्योंकि हमें लोगों की सेहत का भी ध्यान रखना है, और हम नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा। पेड़ों से हम सेहतमंद रहते हैं, इसलिए हम अपने जीवन काल में एक पेड़ जरूर लगाएं और उसकी अच्छे से देखभाल करें। रेंजर अरविंद कुमार अहरवान ने बताया, वृक्ष मानव जीवन का हिस्सा है। जिस प्रकार जल के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती, ठीक उसी तरह वृक्ष द्वारा प्रदान की जाने वाली प्राणवायु के बिना जीवन के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। बताया है कि ये समय समय पर लोगों को पौधारोपण के प्रति जागरूक करते रहते हैं, और इस बार हमने लक्ष्य बनाया है कि 5000 पौधे लगाएंगे। रायसेन बेगमगंज से हमारे संवाददाता शरद शर्मा की रिपोर्ट।